अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुदस्सिर अली और आज मैं टॉपिक पे बात करना जा रहा हूँ जो कि फटीग है, थकावट, बॉडी। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और मोस्टली लोग इससे सफर कर रहे होते हैं और लोगों को लगता है कि उनको कोरोना हो गया, लोगों को लगता है उनको कोई प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि यार उनको फीवर हो गया। लेकिन फटीग एक थकावट एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आपको थकावट मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती है। फटीग जो होती है ना, वो ना तो कुछ लोगों को हाइपोथायराइड होता है, डायबिटीज़ होती है, एनीमिया होता है, स्लीपिंग इश्यूज होते हैं और साथ साथ में आपकी पुअर डाइट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अब बहुत सारे लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब चेक करता है, एग्जामिन करना है, आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, डिजीनेस है, थकावट बॉडी में हर टाइम रहती है, कुछ करने को दिल नहीं करता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप समझते हैं आपको बुखार है, प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है, वो एनीमिक भी चेक करता है, हाइपोथायरायडिज्म भी चेक करते हैं, डायबिटीज भी चेक करते हैं। फर्स्ट थ्री जो एलिमेंट्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, वो रिपोर्ट 90% ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या प्रॉब्लम एंड पे निकलती है? डिप्रेशन। डॉक्टर कहते हैं कि आपको डिप्रेशन है या इशूज है, ठीक है। तो इसकी एक वजह, अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो डिप्रेशन भी है। लेकिन फर्स्ट थ्री टू फोर चीज़ें अगर आपने चेक की, उसकी वजह से आपको फटीग हो रही है, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसको ठीक करती हैं? उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी लाइफ स्टाइल की बिजी डिमांड है। आप बहुत ज़्यादा काम करें, अपने लोड से ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका आजकल हमारा बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल है, रूटीन टफ है, बिजी, गैजेट, फेसबुक, यूट्यूब, आपने टीवी भी देखना है, एंटरटेनमेंट भी देखनी है, बच्चों को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, पढ़ना भी है, तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो ये है, इसकी वजह से ओवरलोड बढ़ता है। दूसरा, आपकी पुअर स्लीप, आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल ठीक नहीं है। नंबर थ्री, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या आप मील्स बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं। नंबर फोर, आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे हैं। आप घर का खाना तो खा रहे हैं, देसी रोटी चावल खाए जा रहे हैं, लेकिन जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिस है उसके अंदर, वो भी नहीं खाए जा रहे। फिर उसके साथ एक्सरसाइज या वॉक का मिस होना, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, एक्सरसाइज या वॉक का बिल्कुल नहीं करते, आपकी लाइफ में कोई साइकिलिंग नहीं ऐड, कोई स्विमिंग नहीं ऐड। अच्छा, कोविड में ये चीज़ें तो नहीं हो सकती, लेकिन कोई वॉक हो सकती है, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ स्मोकिंग, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज है, वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ये सारे फैक्टर जो हैं, अगर आप ये ठीक करेंगे तो आपका फटीग ठीक हो सकता है, लेकिन अंडरलाइन प्रॉब्लम डॉक्टर को विजिट करने के बाद डायग्नोज होगी। आई होप कि आपको फटीग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और जानकारी पता चल चुकी होगी। टेक केयर।